पवन सिंह ने लगाई ज्योति की क्लास। पति पत्नी में तो ये झगड़े होते रहते हैं, नोक झोंक तो आम बात होती है। ये आम बात तब खास हो जाती है जब कोई सुपरस्टार अपनी पत्नी को फटकार लगा रहा हो। जी हाँ, भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह ने फटकार लगाई अपनी पत्नी ज्योति को। अब आप कारण जानना चाहते होंगे, पहले तो आप ये तस्वीर देख लीजिए जहाँ पवन सिंह ज्योति को कुछ कहते नजर आ रहे हैं और ज्योति का मुंह उतरा हुआ दिख रहा है। अब आप जानना चाहते होंगे कि ये फोटो कहाँ की है, तो हम आपको बता दें कि मुंबई में इस वक्त पवन सिंह और आम्रपाली दुबे की फिल्म शेर सिंह की शूटिंग हो रही है। ये फोटो वहीं की है, जैसे कि हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि पवन सिंह की फिल्म शेर सिंह की शूटिंग जहां हो रही है वहां से मात्र कुछ ही मिनटों का रास्ता है जहां पवन का घर है। और जिस वक्त इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी, ठीक ऐन वक्त पर वहां ज्योति आ पहुंची, जिसकी खबर पवन सिंह को जरा भी नहीं थी। पवन सिंह को इस बात से कोई एतराज नहीं था कि ज्योति बिन बताए शूटिंग स्पॉट पे पहुंची है, लेकिन पवन को इस बात से एतराज था, ज्योति ने उस वक्त अपने सिर पर दुपट्टा नहीं रखा था। आपने अभी तक गौर किया होगा कि जहां पवन और ज्योति साथ होते हैं या शूटिंग स्पॉट पर होते हैं, वहां पवन सिंह अपनी पत्नी को अदब और लिहाज दोनों की तामील कहने को कहते हैं। यानी कि पवन सिंह नहीं चाहते कि पत्नी ज्योति अपने संस्कारों से दूर रहे, इसलिए जब भी वो अपनी पत्नी के साथ शूटिंग स्पॉट पर होते हैं, पवन सिंह बकायदा चाहते हैं कि अगर शूटिंग स्पॉट पर ज्योति और वो मौजूद हैं, तो अगर ज्योति ने साड़ी पहनी है तो वो साड़ी का पल्लू अपने सर पर रखे, और अगर उन्होंने सलवार कमीज पहनी है तो दुपट्टा अपने सर पर रखे। आपको तो पता ही होगा कि पवन अपने संस्कारों को कितनी तवज्जो देते हैं, इसलिए पवन सिंह ने पत्नी ज्योति को फटकार लगाई, क्योंकि जब ज्योति शेर सिंह की शूटिंग स्पॉट पर पहुंची थी तब उनके सिर पर दुपट्टा नहीं था। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।